हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो एलएनटी की CX2000 मॉडल की जो वीएमडी आती है उसके अंदर हम कंट्रोल रनिंग पर पुश बटन है, ऐसी कोई सिलेक्टर स्विच है एंड पोटेंशियोमीटर, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपने वो मेरे एलएनटी के CX2000 के बेसिक पैरामीटर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो आप पर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि DRV पैरामीटर ड्राइव मोड, मतलब कि हमें हमारी जो वीएमडी उसको स्टार्ट स्टॉप का कमांड कहाँ से देना है तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। जब भी अप डाउन आप ऐसे प्रेस करेंगे तो उसमें DRV आ जाएगा। उसमें अभी जीरो है, जीरो का मीनिंग क्या होगा कि हमारे जो रन स्टॉप पर, यहाँ पर कीपैड पर रन स्टॉप का बटन है, उससे हमारी वीएमडी स्टार्ट होगी। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिए रन वाले बटन से स्टार्ट होगी एंड स्टॉप वाले बटन से स्टॉप होगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, इसमें DRV में वन करोगे तो क्या होगा कि हमारा जो टर्मिनल पर हमने कोई ऐसे सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन करना है, उससे हमारी जो मोटर को, हमारी जो वीएफडी को फॉरवर्ड रिवर्स में घुमाने है, तो उसके लिए हमें इसमें वन करना पड़ेगा, ठीक है। तो DRV में हम वन करते हैं, ठीक है। अभी इसमें कनेक्शन कैसे करना है आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। कॉमन में से हमें एक कॉमन वायर को लेना है, उसको हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली एक कॉमन जो हमारा रेड वाला वायर है वो कॉमन है, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट लगे वो NO एलिमेंट है, उसमें से एक वायर जो एक साइड से निकल रहा है उसको फॉरवर्ड में देना है और दूसरे वाले को रिवर्स में देना है, मतलब कि एक को P1 में देना है दूसरे को P2 में देना है, ठीक है। जब भी ये दोनों कॉमन और P1 शॉर्ट हो गए तो हमारी मोटर फॉरवर्ड घूमेगी, कॉमन और P2 शॉर्ट हो गए तो हमारी मोटर रिवर्स घूमेगी, ठीक है। तो ऐसे उसको कनेक्शन करना है। और इसमें जो हमारा P1 टर्मिनल डिफॉल्ट फॉरवर्ड के लिए प्रोग्राम होता है, उसके लिए आपको अंदर कोई पैरामीटर में सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मोटर फॉरवर्ड नहीं घूम रही तो इसमें आपको I17 में जीरो करना है, उससे क्या हमारा जो P1 टर्मिनल वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप I18 में वन करोगे तो हमारा जो P2 टर्मिनल वो रिवर्स के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे तो डिफॉल्ट सेट होता है, मगर अगर आपने चेंजेस किया है तो इसको फिर से इस तरह से सेट कर दे, ठीक। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कनेक्शन कैसे करना है। यहाँ पर आपको देख रहा होगा एक वायर मैंने P1 में कनेक्ट किया है, एक दूसरा P2 में कनेक्ट किया है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा दोनों की लिंक में से आ रहा है उसको हमने कॉमन में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने फॉरवर्ड, मेरे वीएफडी को फॉरवर्ड का कमांड मिल गया है, ठीक है। अभी ये स्टॉप हो गई, ये रिवर्स, मतलब कि हमारी जो वीएफडी को रिवर्स का कमांड मिल गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा वायरिंग एंड उसका पैरामीटर हमने सेट किया, ठीक है। अभी इसमें सिमिलरली दूसरा क्या है, टू का मीनिंग भी टर्मिनल ही है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। DRV में अभी टू करोगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि कॉमन हमारा जो P1 टर्मिनल है वो हमारी जो वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप के कमांड के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, मतलब कि जब भी हम इसको इस तरफ करेंगे तो हमारी वीएफडी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमें रिवर्स करना है तो फिर से हमें ये कॉमन एंड P2 जो दूसरा हमारा जो हमने ऐसा कोई स्विच टोगल स्विच लगाया तो उसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, उससे क्या कि हमारी जो मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब कि जब भी ये दो एक साथ ये दोनों ऑन होंगे तो ही हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी, वरना वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का कनेक्शन। अभी नेक्स्ट क्या है, थ्री वायर मोड में कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें थ्री वायर मोड हमें पुश बटन को, ऐसे पुश बटन है स्टार्ट स्टॉप के पुश बटन, उससे हमारी वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें I17 में जीरो जैसे इसमें सेट है वो उससे ही करना, I18 में वन, ये तो दोनों डिफॉल्ट सेट होते हैं। हमें सिर्फ करना क्या है कि हमारा जो P3 टर्मिनल है उसमें उसको थ्री वायर के लिए प्रोग्राम करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि I19 पैरामीटर उसमें 17 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, I19 पैरामीटर में 17 करना पड़ेगा, उसमें अभी 2 है इसको 17 करना पड़ेगा, ठीक है। I19 में 17 कट किया, ठीक है। उससे क्या कि हमारा जो P3 टर्मिनल है वो
थ्री वायर के लिए प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अभी हमें पी थ्री की जगह पर कोई दूसरा टर्मिनल प्रोग्राम करना है तो सिमिलरली हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर आई सत्रह है वो पी वन टर्मिनल को कौन से फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है वो डिसाइड करता है। ठीक है, आई अठारह पैरामीटर पी टू टर्मिनल के लिए, आई नाइनटीन है वो पी थ्री टर्मिनल के लिए, सिमिलरली आई ट्वेंटी है वो हमारा जो पी फोर टर्मिनल है यहाँ पर उसको कौन से फंक्शन के लिए प्रोग्राम है वो डिसाइड करता है, सिमिलरली आई ट्वेंटी वो पी फाइव के लिए। ठीक है, तो हमें थ्री वायर के लिए कोई भी जो टर्मिनल है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए पी थ्री टर्मिनल को प्रोग्राम किया। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे करना है, तो आपको कॉमन में से जो वायर आ रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ये कॉमन में से एक वायर आ रहा है। ठीक है, जो कॉमन में से वायर आ रहा है उसको हमें एनसी के बटन में देना है। ठीक है, तो इसको हमें कॉमन में देना है, पहले इसको कॉमन में दे देते हैं। ठीक है, कॉमन में दे दिए, बाद में जो एनसी के बटन में से ये वायर निकल रहा है उसको हमें पी थ्री में देना है। ठीक है, पी थ्री टर्मिनल में देना है। ठीक है, तो हमने ये येलो वायर को पी थ्री में दे दिया। ठीक है, एंड जो पी थ्री में दे देना है। ठीक है, और बाद में इसमें से जो लूप होके पी टू में या पी वन में दे सकते हैं, अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमानी है आपकी मोटर को तो पी वन में दे सकते हैं, और रिवर्स में घुमानी है तो आप पी टू में दे सकते हो। अभी मैं फॉरवर्ड के लिए पी वन में देता हूँ। ठीक है, मतलब कि जैसे एनओ में से जो दूसरा वायर निकल रहा है वो हमने पी वन में दिया, मतलब कि हमने ये कनेक्शन नहीं किया अभी एनओ वाला रिवर्स वाला। ठीक है, तो अभी मैं कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। देखिए कॉमन में हमने कॉमन वाला वायर दिया है, जो हमारा जो एनसी में से एक वायर निकला उसको दिया है, और दोनों के लूप में से जो दूसरा वायर निकल रहा है उसको हमने पी थ्री में कनेक्ट किया है। ठीक है, एंड जो हमारा जो ग्रीन पुश बटन है उसमें से जो वायर निकला है उसको हमने पी वन में कनेक्ट किया क्योंकि फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो ये हमने जो ऐसे ही ग्रीन वाला बटन प्रेस किया तो हमारी मोटर स्टार्ट हो गई, हमारे वी एफ डी को स्टार्ट का कमांड मिल गया, जैसे इसको प्रेस किया तो हमारी वी एफ डी को स्टॉप का कमांड मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुश बटन का कनेक्शन। ठीक है, एंड उसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, फ्रीक्वेंसी सेटिंग मेथड, मतलब कि हमें जो ये स्पीड कम ज़्यादा हो रही है वो कहाँ से करनी है, ये पोटेंशियोमीटर से करनी है, ये अप डाउन किससे करनी है, या कोई एक्सटर्नल कोई ऐसा कोई पोटेंशियोमीटर लगा है उससे करनी है, तो आपको इसके लिए एफ आर क्यू पैरामीटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एफ आर क्यू में एंटर करना पड़ेगा। अभी ये डिफॉल्ट इसमें टू सेट है, टू का मीनिंग क्या होगा, पैनल पोटेंशियोमीटर, मतलब कि ये पोटेंशियोमीटर है उससे हमारी स्पीड वेरी होगी। ठीक है, अभी इससे हमारी स्पीड वेरी हो रही है, और अभी इसमें जीरो करेंगे तो क्या होगा कि कीपैड सेटिंग, मतलब कि ये अप डाउन की है उससे हमारी स्पीड कम ज़्यादा होगी। एफ आर क्यू में जीरो जीरो करोगे तो हमारी जो स्पीड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें पहले एंटर करना रहेगा, बाद में आपको को एंटर को प्रेस करना है, और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर हमें स्पीड को बढ़ानी है तो अप डाउन से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी 22, बाद में उसको एंटर को प्रेस करना है तो ही हमारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें 2 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, कीपैड सेटिंग, मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें एंटर को सेव हमारे जो हमने जो भी फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ाई है 24 में से 22 में से अभी 30 करते हैं। ठीक है, तो अभी एंटर को दूसरी बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम इसमें 1 करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें एंटर को प्रेस नहीं करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसको स्टॉप करते हैं। एफ आर क्यू में अभी 1 किया। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे ही मेरी वी एफ डी को स्टार्ट का कमांड दिया, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती बढ़ती 30 तक चली गई। अभी मुझे फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो एक बार एंटर को प्रेस करके मैंने जैसे ही 20 किया, फिर से मुझे एंटर को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली 20 आ जाएगी। इसमें क्या है, हमें एंटर को प्रेस करना पड़ता है, इसमें एंटर को प्रेस नहीं करना पड़ता, वही डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में, और बाकी तो स्पीड कम जाता तो अप डाउन से ही होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल टर्मिनल, मतलब कि हमें कोई ऐसा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर है उससे हमारी जो वीएफडी की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए इसमें हमें 3 करना पड़ेगा। पार्क्यू में 3 करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या कि हम हमारा जो पोटेंशियोमीटर नीचे लगा है उससे हम स्पीड कम ज़्यादा कर पाएंगे। चलिए मैं इसका कनेक्शन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसका कनेक्शन कहाँ पर करना है, आप नीचे देख सकते हो कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव है, हमारा जो पोटेंशियोमीटर का एक वायर को वीआर में देना है, ठीक है। हमारा पॉजिटिव सप्लायर 10 वोल्ट है, ठीक। और जो बीच वाला वायर है उसको एआई में देना है, एंड जो हमारा जो ग्राउंड है उसको कॉमन में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बीच वाला वायर है ये पोटेंशियोमीटर का है, वो एआई में देना है, ठीक। तो ये चलिए मैंने बीच वाला वायर एआई में दे दिया। बाद में जो हमारा पोटेंशियोमीटर का एक वायर वीआर में दे दिया, ठीक है। एंड जो लास्ट बचा उसको कॉमन में दे देना है, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि आपका जो बीच वाला वायर है उसको आपको एआई में देना है, ठीक है। और आपको ये जम्पर भी एक बार देख लेना है, ये वाला जम्पर वो वी की तरफ है या आई की तरफ है। इस तरफ वी लिखा है और दूसरी तरफ आई लिखा है, अभी वी की तरफ है, मतलब कि एआई टर्मिनल वो 0 to 10 वोल्ट इनपुट यूज होगा, ठीक है, वोल्टेज इनपुट के लिए। देखिए अभी ये पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन। और अगर हमें इसको एज अ करंट इनपुट यूज करना है एआई टर्मिनल को, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जम्पर को इस तरफ मूव करना है, ठीक है। उससे क्या कि हमारा जो एआई टर्मिनल एंड कॉमन टर्मिनल एज अ करंट इनपुट यूज कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे हम मिली एम्पियर में 5 to 20 मिली एम्पियर करंट को वेरी करेंगे, वैसे हमारी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे CX2000 वीएफडी के जो कंट्रोल टर्मिनल पर वायरिंग कैसे करते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। और अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।